गतिशील समर्पित और दृढ़ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश वासियों के जीवन में आशा की किरण के रूप में आए हैं। 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उसके बाद से लगातार विकास को पंख देने के लिए कृत संकल्पित है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। प्रदेश के श्री अन्न मिलेट्स उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मिलेट उत्पादक किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। श्री अन्न कोदो कुटकी रागी ज्वार बाजरा आदि के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की अतिरिक्त राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के खाते में अंतरित की जाएगी। प्रदेश में कोदो कुटकी की खेती मंडला डिंडोरी बालाघाट छिंदवाड़ा अनूपपुर सिंधी सिंगरौली उमरिया शहडोल सिवनी और बैतूल जिलों में होती है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में श्री अन्न मिलेट फसलों के व्यापक प्रचार प्रसार से मिलेट उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संकल्प है कि प्रदेश के किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना से मिलेट उत्पादन में बढ़ोतरी होगी जिससे किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी।